अबू दुजाना के मुतालिक बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है। जितनी भी जानकारी मौसूल हुई है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक हुई है। इंटेलिजेंस के मुताबिक अबू दुजाना तब महज 17 साल के थे जब लश्कर तैयबा में शामिल हुए। उनकी कहानी दिलचस्प भी है क्योंकि वो असल में गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं और ऑपरेट पुलवामा से करते थे। उनकी फौज के खिलाफ कार्रवाई करने के अंदाज ने उनके सरबराहन का दिल जीत लिया और उनको अबू कासिम का डेप्यूटी मुकर्रर किया गया। जब अबू कासिम को अक्टूबर 2015 में हलाक किया गया तो अबू दुजाना लश्कर के सरबराह बन गए। बताया जा रहा है कि उधमपुर हमले और पांपुर हमले की साजिश अबू दुजाना ने ही रची थी, जिनमें कुल मिलाकर तकरीबन 10 अहलकार हलाक हुए थे। अबू दुजाना अब तक कई बार कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में फंस गए थे मगर उनकी जहानत उनको बचा लेती थी। वो कई मरतबा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन तोड़कर फरार हो गए हैं। इंटेलिजेंस अफसरान का मानना है कि वो कश्मीरी बोलने और अपना हुलिया बदलने में माहिर था, इसलिए उसको ढूंढना काफी मुश्किल बन जाता था। इस पर सिक्योरिटी एजेंसियों ने 8 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। अभी उनकी उम्र 26 साल की थी। 9 साल की उम्र तक लश्कर तैयबा का हिस्सा बनने के बाद आज वो हाखरी पूरा पुलवामा में हलाक कर दिए गए। शकील हमीद, मुंसिफ टीवी।